सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज चिन्मय। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अक्षय कुमार के डाइट प्लान के बारे में, जो उनको अभी भी उतना फिट रखता है। उनके डाइट प्लान के हिसाब से क्या क्या वो चीज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लेते हैं, आज हम डिस्कस। ऐसे तो मैं भी मीठा खाता हूँ, मैं भी पूरा जो कुछ खाना है, चावल, दही, वेजिटेरियन, सारा, मतलब जो गुलाब जामुन खाने के बाद पान, ये सब चीज़ें मैं खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि अक्षय कुमार बोल रहे थे कि कैसे वो फ्लेक्सिबल डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन एक फिक्स डाइट नहीं है उनके डाइट प्लान में। लेकिन एक वेबसाइट में उनके डाइट प्लान के बारे में बताया गया जो रेगुलरली वो फॉलो करते हैं और काफ़ी ये एक्यूरेट है। तो इस डाइट प्लान को मैं आपको बताऊँगा और ये आप अपने डाइट प्लान में ऐड भी कर सकते हो। सो दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार सर कितने जल्दी उठते हैं। वो काफ़ी सारे इंटरव्यू में बता चुके हैं कि कितने जल्दी उठते हैं। तो उनका ब्रेकफास्ट 6 बजे से 7 बजे के बीच हो जाता है और उनके ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे और एक गिलास दूध होता है, और ये उनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद हम वर्कआउट करते हैं। आई डू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसके अंदर कोर की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है और जिसके अंदर मैं वेट्स नहीं उठाता हूँ। सो गाइस, हम चलते हैं मील नंबर 2 की तरफ। बहुत ही नॉर्मल मील है और ये होता है उनका, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उसके साथ साथ कोई भी फ्रूट्स हो गया, जैसे बनाना, एप्पल या फिर कोई भी फ्रूट्स जो मार्केट में मिलता है वो ऐड कर लेते हैं। और ये उनका टाइमिंग होता है 10:30 बजे से 11 बजे के बीच। तो इनका मील नंबर 2 हो गया। डोंट लाइक मच ऑफ नॉन वेज, बट समटाइम्स आई ईट फिश एंड एग्स। सो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वो ज़्यादा नॉनवेज खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मौका मिल जाता है नॉनवेज खा लेते हैं। तो मील नंबर 2 में हम चिकन ऐड कर रहे हैं, 100 ग्राम चिकन या 150 ग्राम चिकन। आप बॉयल करके या फिर ग्रिल चिकन खा सकते हो। और वो बहुत ही नॉर्मल इंडियन डाइट लेते हैं, दाल, चावल और कुछ सलाड, जैसे आप कोई भी कुकुम्बर, गाजर, कोई भी आप सलाड इसमें ऐड कर सकते हो। और आप कुछ प्रोबायोटिक जैसे डाइजेशन के लिए दही भी ऐड कर सकते हो। तो ये मील होता है 2 PM to 2:30 बजे के हो जाता है, जो कि लंच होता है अक्षय कुमार सर का। तो हम चलते हैं मील नंबर के अंदर। जो आप अपने शरीर को जितनी तकलीफ पहुंचाते हो, उससे ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हो सकती। बिकॉज रात को जब आप 10 बजे 11 बजे खाना खा के सो जाते हो, तो 3.5 घंटे 4 घंटे लगते हैं आपके पेट को उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपका सारा शरीर सो रहा होता है सिवाय आपके पेट के। एंड देन जब आप सुबह उठ जाते हो, फिर आप वापस नाश्ता करते हो। सो बेसिकली 24 आवर्स योर स्टमक इज़ वर्किंग। एंड हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिजीज़ जो होती है वो पेट से निकलती है। जितने भी डिजीज़ प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स अल्सर, वेदर इट्स कैंसर और एनीथिंग। सो मैं एक लेमैन के हिसाब से समझा रहा हूँ कि इंसान को, हम इंसानों को 6:30 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वो बोल रहे थे कि वो लास्ट मील जल्दी ले लेते हैं और बहुत लेट नहीं होता उनका डिनर के लिए। तो हमारे नॉर्मली बहुत लोग लास्ट में मील 9:30-10 बजे करते हैं, लेकिन वो 6:30 या 7 बजे के बीच आप ले लेते हैं। लेकिन आप 7:30 से 7:30 में आप कर सकते हो। और बहुत ही नॉर्मल डाइट होता है उनका, कुछ ग्रीन वेजिस एंड वो ग्रीन सलाड लेते हैं। सो गाइस, वीडियो ये एंड था। तो आप इस डाइट को अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा डाइट है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो बहुत ही परफेक्ट डाइट है।